हेलो फ्रेंड्स, याली मदद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मुमताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खोपरा पाक, जिसे नारियल की बर्फी भी कहते हैं। खोपरा पाक नारियल की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्रेश कोकोनट, गीला नारियल 200 ग्राम ग्रेट किया हुआ लिया है, 150 ग्राम शक्कर, 100 ml दूध लिया है, थोड़ा सा पिंक कलर लिया है, अगर आप नहीं डालना चाहे तो ना डालें, और कटे हुए बादाम पिस्ते। अब बनाने के लिए सबसे पहला हम नारियल डालते हैं, तो हमने किस पे रखा है, शक्कर डाल लेते हैं, और दूध डाल लेते हैं, और इसे हम तेज आंच पे 5 मिनट के लिए पहले चलाते हैं, कंटिन्यू चलाते ही रहेंगे। पांच मिनट हो चुके हैं, कंटिन्यू हिलाते ही रहना है इसे। अब हम देखते हैं ये हो चुका है या नहीं। इसको थोड़ा सा डालते हैं और ऐसा गोल घुमाते हैं। ये अभी गोल नहीं हो रहा है पूरी तरह से, मतलब इसे और 1 से 2 मिनट हम पकाएंगे। तेज आंच पे ही मैंने बनाया है इसको, और मैंने 2 से 3 मिनट तेज आंच पे हिलाया है। अब ये थोड़ा सा हंडी छोड़ने लगा है, और हम इसे घुमाने के लिए थोड़ा सा पता चलता है कि ये थोड़ा कड़क हो चुका है। अब हम इसे देखते हैं गोल, इसका गोला बनता है या नहीं। ये ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा सा 1 मिनट और हम तेज आंच पे इसे हिलाते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं ये हो गया है या नहीं। ये हो चुका है, इस तरीके से ये गोला बन रहा है, इसका पूरा गोला बन गया है, मतलब ये हो गया है। अब हम इसमें पिंक कलर डाल लेते हैं थोड़ा सा, और इसे मिक्स करते हैं। कढ़ाई छोड़ दिया है ये पूरा खोपरा, मतलब खोपरा पाक हो चुका है। पिंक कलर हम मिक्स कर लिया है मैंने। अब हम इसे ट्रे में निकालेंगे। ट्रे को मैंने घी से ग्रीस करके रखा है। अब हम इसमें डाल लेते हैं इसे, हम इसे सेट कर लेते हैं। इस पे हम कटे हुए बादाम पिस्ते डालते हैं। इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, स्ट्रेट नहीं करेंगे ज्यादा। और हम इसे पीस कर लेते हैं, गरम में ही इसके पीस कर लेंगे। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने देंगे। अगर आपको 2 से 3 दिन से ऊपर घर रखना है खोपरा पाक, तो आप फ्रिज में रखें। खोपरा पाक ठंडा हो चुका है, अब हम पीस निकाल लेते हैं। मैंने थोड़ा सॉफ्ट रखा है, अगर आपको ज्यादा थोड़ा कड़क चाहिए तो 1 से 2 मिनट जब हम पकाते हैं तब 1 से 2 मिनट ज्यादा पकाएं। इस तरीके से सॉफ्ट हुआ है ये थोड़ा सा। उम्मीद है मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।